नमस्कार, आप देख रहे हैं SRSSC को यूट्यूब चैनल। मैं हूं कौशिक रावत आपके साथ। पोस्ट ऑफिस भर्ती 2019 को लेकर के एक बड़ी खबर है आप सभी के लिए। पोस्टमैन मेल गार्ड में 10th पास छात्रों के लिए सीधी भर्ती आ चुकी है। 1750 पदों पे बहाली होगा मेल एंड फीमेल दोनों के लिए। फॉर्म फी की बात करें तो SC ST कैटेगरी के जो फीमेल कैंडिडेट होंगे उनका यहां पे फ्री होगा, और OBC एंड जनरल के छात्रों के लिए 100 रुपया आवेदन शुल्क रखा गया है। ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इस वीडियो को ईमानदारी पूर्वक अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। अगर आप कोई भी एजुकेशनल न्यूज, चाहे लेटेस्ट जॉब हो, आपके एग्जाम का रिजल्ट का डेट हो, या फिर कट ऑफ हो, या फिर कोई भी ऑल ओवर इंडिया में एजुकेशनल न्यूज जाना चाहते हैं, तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा तो अप्रिशिएट करने के लिए वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर कीजिएगा। जैसे ही आप PDF को डाउनलोड कीजिएगा तो कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन हो जाएगा, और यहाँ पे देख सकते हैं लिखा गया नोटिफिकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ ग्रामीण डाक सेवक और दिल्ली सर्कल के लिए है। जॉब प्रोफाइल की बात करें तो यहाँ पे देख सकते हैं ब्रांच पोस्ट मास्टर BPM, उसके बाद अगला आपका जॉब प्रोफाइल है असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर ABPM, उसके बाद आपका अगला है डाक सेवक, यानी कि ये पोस्ट है। उसके बाद यहाँ पर सैलरी इसके रिगार्डिंग बता दिया गया है, 12,000 से सैलरी स्टार्ट है, मिनिमम 10,000 तक है डाक सेवक का, तो यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हैं। उसके बाद यहीं अगर हम बात करें कि आपका जो एज लिमिट होगा वो क्या होगा, क्या आपको छूट मिलेगा आपकी कैटेगरी के अनुसार, तो यहाँ पे अगर शेड्यूल कास्ट आप बिलोंग करते हैं, SC ST से बिलोंग करते हैं, तो यहाँ पे आपको 5 साल तक यहाँ पे छूट दिया जा रहा है। यानी कि जो मिनिमम एज है बताया गया है 18, और मैक्सिमम एज है 40, और उसके बीच में अगर आपका यहाँ पे जो ये कैटेगरी है वो आता है तो फिर आपको यहाँ पे छूट दे दिया जा रहा है। यहीं अगर हम OBC की बात करें तो 3 साल तक छूट दिया जा रहा है, और इकोनॉमिकली जो वीकर हैं, जिस बार EWS बताया गया है 10% जो जनरल के छात्र हैं उनके लिए, तो यहाँ पे उनको कोई छूट नहीं दिया जा रहा है, ठीक है। यहीं पर अगर हम बात करें अगर आप फिजिकल हैंडीकैप्ड हैं तो यहाँ पे अगर आपको 10 साल तक यहाँ पे छूट दे दिया जाएगा आप किसी भी कैटेगरी से हो। अगर आप फिजिकल हैंडीकैप्ड OBC कैटेगरी से हैं तो फिर आपको 13 ईयर्स का छूट मिलेगा, और यहीं SC ST से अगर आप फिजिकल हैंडीकैप्ड हैं तो आपको 15 साल तक का छूट मिल जाएगा। आपको बता देना चाहते हैं सिंपली यहाँ पर लिखा गया सब कुछ क्लियरली। और उसके बाद एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें कि योग्यता की बात करें तो आपको कम से कम यहाँ पे 10th पास होना ही चाहिए। आप किसी भी बोर्ड से हो आपको यहाँ पे 10th पास होना चाहिए, और आपका कंपलसरी है कि आप उसका लोकल लैंग्वेज जानते हो, यानी कि जहाँ से अप्लाई करेंगे उसका लोकल लैंग्वेज आपको आना चाहिए, तभी आपका सिलेक्शन हो पाएगा। तो इस चीज़ को माइंड में रखिएगा, मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया कि लोकल लैंग्वेज वहाँ का आना चाहिए। अगर आप दिल्ली से अप्लाई करते हो तो आपको दिल्ली का लोकल लैंग्वेज आना चाहिए, अगर आप झारखंड से अप्लाई करते हो तो आपको झारखंड का लोकल लैंग्वेज आना चाहिए, क्योंकि लोकल लैंग्वेज आएगा तभी आप लोगों से कम्युनिकेट कर पाओगे, क्योंकि यहाँ पे आपको डोर टू डोर जाना होगा, तो आप लोगों से बात कीजिएगा। तो अगर आपको उसको लोकल लैंग्वेज नहीं आएगा फिर आपको वर्क करने में परेशानी आएगी, ठीक है। तो सिंपली यहाँ पे देख सकते हैं, और उसके बाद क्या कुछ लिखा गया आपको बताते हैं इसको कैसे अप्लाई करना है। तो सिंपली आपको मैं लिंक प्रोवाइड कर रहा हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जहाँ से आप जाकर के इसको अप्लाई कर सकते हैं। ये है इसका ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक httpappost.in/GDS-online, ठीक है। इस पर आप जाकर के इस लिंक पर क्लिक करके आप आसानी से इसको ऑनलाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका लिंक हम आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करेंगे, या फिर आप हमारे ऑफिशियल वेबसाइट ASRResult.com पर विजिट कर लीजिएगा, या फिर ASR News India का फेसबुक पेज विजिट कर लीजिएगा, वहाँ से आपको सब कुछ मिल पाएगा। यहाँ पर पूरा प्रोसेस बताया गया है, नेम के बारे में बताया गया है, कैपिटल में आपका यहाँ पे नाम होना चाहिए, 10th क्लास के सर्टिफिकेट में जो आपका नाम है वही आपका यहाँ पे होना चाहिए। उसके बाद फादर नेम, मोबाइल नंबर, डेट ऑफ बर्थ, जनरल कम्युनिटी, उसके बाद फिजिकल हैंडीकैप्ड अगर आप हैं तो उसको, उसके बाद स्टेट इन विच 10th क्लास पास, उसके बाद यहाँ पे बोर्ड, उसके बाद यहाँ पे ईयर जो आप क्लास 10th पास किए हैं, उसके बाद यहाँ पे 10th क्लास सर्टिफिकेट नंबर, ये आपका कम से कम ये आपका नेसेसरी है। तो ये आप यहाँ पे देख सकते हैं जिसको मैंने सर्कल किया, आपको यहाँ पे होना चाहिए तभी आप अप्लाई कर पाओगे। उसके बाद क्लियरली यहाँ पे बताया गया है फी पेमेंट को लेकर के, तो 100 रुपया यहाँ पे लगेगा दोस्तों OBC SC ST सभी स्टूडेंट के लिए यहाँ पे। और यहीं अगर हम SC ST के फीमेल कैंडिडेट की बात करें तो उनका यहाँ पे फी फ्री लगेगा, यानी कि उनका पैसा यहाँ पे नहीं लिया जाएगा। सिंपली आप देख सकते हैं OC OBC SC ST सभी छात्रों के 100 रुपये यहाँ पे लगेगा, और आप क्लियरली यहाँ पे देख सकते हैं। तो आप ज़्यादा जानकारी के लिए मैं उम्मीद करूँगा कि आप हमारे ऑफिशियल वेबसाइट ASR Result पे जरूर विजिट कीजिएगा, या फिर आप हमारे फेसबुक पेज ASR News India पे विजिट कीजिएगा, ताकि ये नोटिफिकेशन आप आसानी से पढ़ सको खुद भी, ठीक है, ताकि आप पूरा क्लियरली पता चल पाए। ओके, यहाँ पर क्लियरली देख सकते हैं कैसे क्या होगा, सब कुछ यहाँ बताया गया है। आपको सब डायरेक्टली यहाँ पर फी पेमेंट कर देना है इस वेबसाइट पर जाकर के, उसके बाद आप अप्लाई कीजिएगा तो सिंपली आपको सब कुछ पता चल पाएगा, और यहाँ पर आप इसको एक बार रीड कर लीजिएगा ताकि आपको आसानी हो पाए, ठीक है।
इस तरह से यहाँ पे पूरा नोटिफिकेशन लिखा गया क्लियरली, और इसको शॉर्ट में हमने बताने की पूरी कोशिश की। और जो भी यहाँ पे है कैटेगरी वाइज आपका अलग अलग जगहों पे आपका पोस्ट है, ये दिल्ली के लिए मैं बता रहा था, तो दिल्ली में 174 पोस्ट खाली है। तो इसी तरह से जो नोटिफिकेशन है झारखंड का या फिर हिमाचल प्रदेश का, तो आप यहां से आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। यहां पे ये है आपका दिल्ली का, ये है आपका झारखंड का, ये है आपका हिमाचल प्रदेश का, फिर यहां से आप आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी मन में सवाल होता है तो यहां पे हेल्पलाइन नंबर भी दिया गया, आप वहां पे कॉल करके भी आप सब कुछ पूछ सकते हैं। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये वीडियो, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। इंडियन पोस्ट में अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आप अप्लाई ज़रूर कीजिएगा, डायरेक्ट सीधी भर्ती होगा, आपके जो परसेंटेज होंगे 10th क्लास में उसके अनुसार आपकी कैटेगरी के अनुसार आपका चयन किया जाएगा। तो बड़ी अपडेट है आप सभी के लिए, यहाँ पे देख सकते हैं आपका जो डेट था वो आपका एक्सटेंड कर दिया गया है, तो कहीं ना कहीं आप मिस मत करो। इसके लिए मैंने लेकर के आपको मैंने ये वीडियो प्रोवाइड कराया, तो प्लीज़ आप इसको जितने जल्दी हो सके भर दो, मे भी हो सकता है कि आपका सिलेक्शन हो जाए। और यहाँ पे 12/7/2019 तक आपका ये लास्ट डेट है रजिस्ट्रेशन करने का, और ये भी एक्सटेंड किया गया है, यानी कि इससे पहले इसका डेट था वो ख़त्म हो चुका था। और यहीं अगर हम बात करें 19/7/2019 तक इसका अप्लाई करने का डेट है, उसके बाद यहाँ पे पोस्ट आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं, ये है इनका पोस्ट, और यहाँ से आप इसको अप्लाई कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये वीडियो, अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि हर एक के पास ये जानकारी चला जाए। और सबसे ज़्यादा अगर पोस्ट की बात करें तो यहाँ पे पोस्ट खाली था, आप देख सकते हैं उड़ीसा में 4392 था, लेकिन इसका रिजल्ट था वो आपका आउट कर दिया गया, ठीक है। तो जैसे ही आपका जो रिजल्ट आएगा आपको इसी वेबसाइट पर शो होगा, और यहाँ पर अगर आप झारखंड से अप्लाई करते तो 804 सीट है, और रिजल्ट आएगा तो यहाँ पे रिजल्ट जो है आपका ऑटोमेटिक से ये रेड कलर में हो जाएगा, उसके बाद आपका रिजल्ट आ जाएगा। तो आप इसको फॉर्म फिलअप करने के साथ साथ हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, जैसे ही रिजल्ट आएगा तो सबसे पहले नोटिफिकेशन हम अपने वेबसाइट या फिर अपने चैनल के माध्यम से आपको जरूर प्रोवाइड कराएंगे। चाहे जो भी आप यहाँ पर स्टेट से अप्लाई करें, आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले वीडियो के माध्यम से हम लेकर आएंगे, तो आपको ट्रस्ट कराना है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है। और भी किसी तरह का कोई भी एजुकेशनल न्यूज जानना चाहता आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा ये हमारा चैनल। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।